अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग, अल्लाह हम सबको खुश रखे। सो हम आए हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज पूरा पसीना पसीना हो क्योंकि जस्ट वर्कआउट करके आया हो, ठंडी चली गई, गर्मी शुरू हो गई है। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप हमेशा पार्किंग में ही अपने इंट्रो बनाते हैं, तो मैं बोला ये गाड़ी आज मुझे छोड़ना है गैरेज पे, तो मैं बोला एक गाड़ी में बैठ के इंट्रो बना लेते हैं। और गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा है दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, तो आज शायद दाढ़ी भी बनाना पड़ेगा। आज है ट्यूसडे का दिन, आज हमारे घर पे है कुंडे की नियाज। और मुझे पता है आज मुझे ढेर सारे कमेंट आएंगे कि ये जायज नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। तो बस मेरा ये कहना है, आपको जो चीज में खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आप करो। मुझे इसमें मिलती है, मैं ये कर रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन बताने जाऊंगा तो वक्त की कमी है और फिर उस पर भी आर्ग्यूमेंट होगी। ये चीज की, ये आर्ग्यूमेंट का एंड नहीं है। तो बस आपको जिसमें खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप करो। बस इतना ना करो, ना मैं ना आप, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपको गिरा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हमें यूनिटी में रहना है। तो आज मम्मी ने बहुत अपना दूध वगैरह खीर के लिए सब लेके आ गए, सब कर लिए है। और मुझे थोड़ा बहुत लिस्ट आई है सामानों की, तो मुझे वो सब लेने जाने का है अभी फिलहाल। तो अभी मैं उतरा हूँ, ये गाड़ी गैरेज पे छोड़ूंगा, बाइक लूंगा, फिर सामान सब लेना है, फिर आओ देखते है कैसी रहेगी कुंडे की नियाज। मैंने गाड़ी अभी छोड़ दिया हूँ गैरेज पे, और इतना अच्छा है, मेरी बिल्डिंग से एकदम लग गई है। वहां से आने का, गाड़ी छोड़ने का, यहाँ से पैदल शॉर्टकट अपनी बिल्डिंग। माशाल्लाह ये फूल भी अल्लाह की क्या कुदरत है, इतने कलरफुल, अलग अलग कलर के कैसा उगते हैं। देखो वाइट कलर, खैर मुझे तो अभी रोज पेटल्स चाहिए, तो ये ले लेते हैं अपन। उसने ऐसे बना के दिया कि मैं अपनी बीवी को देने जा रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता ये न्यास के लिए ले रहा हूँ मैं। खैर बाकी खूबसूरत है, घर जाके इसको खोल देंगे। अभी मैं लेने आया हूँ फीकी बूंदी, मीठी भी आती है, लेकिन खैर कोई तो चीज़ में फीकी यूज होगी, इसलिए मंगाए हैं। और यहाँ पे पूरी बनने का सिलसिला हो चुका है शुरू, राउंड राउंड पूरी हम लोग ये ढक्कन से बना रहे हैं। लोग खैर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं राउंड बनाने के लिए। और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं, तो ये खीर हो चुकी है रेडी, ये तो खैर पहले ही बना दिए थे। और माशाल्लाह से मस्त गाढ़ी गाढ़ी है एकदम, इसको अभी थोड़ा ठंडा करने रखे है। और यहाँ पे जितना वहाँ पे बन रही है, यहाँ पे उतने ही स्पीड में तला जा रहा है एकदम, खोलते हुए गर्म तेल में। और मेरे को तो डर लगता है तेल के वो छींटे उड़ते ना, एक भी तिल मिला जाता हूँ, मस्त लाल लाल हो गई है पूरी। अभी कितनी बनेगी पता नहीं, मैं बोला छोटे छोटे कट्स लेके आप लोग को शेयर कर लेता हूँ। और ये है कुंडे, जिसके अंदर जो मिट्टी का आता है, जिसके अंदर खीर और पूरी रखते हैं। हम लोग ने दो ही लिए क्योंकि छोटी कर रहे, इतनी बड़ी नियाज नहीं कर रहे। थोड़ा टाइम है तो मैं बोला मैं भी थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ। मम्मी ने खैर ये दो तो बना दिए, तीसरा आप बनाएंगे, हम मारना पड़ता है जोर से, मार ये लो आप। मम्मी वहाँ पे अपना पूरी बना रहे है, मंजरी यहाँ पे तल रही है, क्या बात है माशाल्लाह। लालम लाल लाली होना चाहिए ना इसी, दाल गोभी सिंगर पनीर भी बनेगी आज, वो नहीं बना सकते ना, चिकन विकन कुछ ऐसा जब तक नियाज है, नियाज है। तो क्या बना है आज? दाल गोभी सिंगर भी डाली होना, चलो चावल है और खट्टे आलू बनाने का है, बॉईल करने रखे हैं, प्रोसेस है, तीखे खट्टे आलू बनाने। चलो माशाल्लाह, पूरी तैयारी हो गई है, नमाज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे इम्पोर्टेंट है नमाज। तो अभी इसको मेरे को ऐसे दो राउंड बनाना है, उसके बीच में दो कुंडे आएंगे, एक में खीर रहेगी और एक में पूरी। कुंडे 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 नहीं बेटा, तो? सिर्फ कुंडे। ओके सेट। खा लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं नीचे उतर गया हूँ क्योंकि अड़ोस पड़ोस की लेडीज आ रही थी सब, तो मैं बोला मैं खा के पहले उतर जाता हूँ। फिर ये सब जब हो जाता है तो इसको कुछ ठंडा भी करना रहता है, उसके लिए मम्मी का फोन आएगा कि किस तरीके से करना रहता है, तो वो मैं लूंगा और फिर वो भी आप लोग को बताता हूँ कि कैसे होता है।
अभी मैं जा रहा था यारी रोड की तरफ, तो मैंने मून को बोला जो भी वो कुंडे का सामान है वो सब थैली में डाल के रख दो, वहां पे कभी भी मौका मिलेगा, दरिया है उस तरफ, तो मैं बहा दूंगा, ठंडा करना मतलब बहा देना समुंदर में, वो मेल्ट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, यहाँ वहां रखते तो कैसा बेहद होती है, तो इसलिए उसको प्रॉपर उस तरीके में करते हैं। खैर मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हर साल डैडी जाते थे, मम्मी ने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया, इंशाल्लाह वहां चल के देखते हैं, बीच में जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो काम कर लेंगे। पीछे थैली रखी है, हम लोगों ने छोटी की है, इतनी बड़ी नहीं की, मतलब सिर्फ पड़ोसी थे उनको बुलाए, बुशरा ही, दैट्स इट। ये बंदा है जो बबलू भाई करके इनका नाम है, सुनो आज तक मेरे को जिंदगी में किसी ने नहीं सताया जितना इन्होंने सताया, ये इतने पंचुअल है, अगर मैं गाड़ी दू बोलू आज बोलेंगे कल दे दूंगा, ये एक हफ्ते बाद देंगे, कभी जबान पे नहीं होते, तो इनकी आज एक सजा है इनके लिए, पूछो क्या सजा है, क्या सजा है, आप एक आज गाना सुना दो, अरे बाप रे, छोटी सी एक लाइन, अपनी अपनी महबूबा को याद करते, महबूबा मतलब बीवी होगी ना, अच्छा बीवी है, नहीं बीवी नहीं है, बोलो मोह कसम कोई नहीं है, तो अच्छा ऐसे एक गाना सुना दो, सजा है तुम्हारी, जल्दी छोटी सी एक लाइन, चलिए काम करने दे, एक लाइन बाबू भाई, बाबू भाई बोला, बबलू भाई, अरे अरे ये शर्म, हाँ हाँ। अभी मैं आया हूँ यारी रोड की दरगाह पे, शुक्रुल्लाह शाह बाबा, असर का वक्त हमारा पढ़ लेते हैं, न्यू मस्जिद बनाई है इतनी बड़ी माशाल्लाह से, मेहरबानी करके औरतें बाहर ही रुकिए, अंदर ना जाइए, और जब दरगाह पे जाओ तो सजदा ना करो, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाता है, बाकी बिंदास दरगाह पे जाओ, बहुत सुकून रहता है, बहुत अच्छा फील होता है, और ये तो ये मस्जिद है जो मैं बोल रहा था, ये रिसेंटली बनाई इतनी बड़ी माशाल्लाह, इतना सुकून। अभी मैं जा रहा हूँ वो कुंडे को ठंडा करने के लिए, ये है वरसुआ गांव, मतलब यहाँ पे मोस्टली 90% आपको कोली लोग ही मिलेंगे, ये दरगाह से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रास्ता शुरू होता है, तो यहाँ पे एंड में एकदम जाके वो फेरी मिलती है, बोट बोलता है, मुझे उसमें जाना है। अभी फेरी आने को टाइम है, बोला आप लोग को एक खेकड़े दिखा देता हूँ, मस्त फ्रेश लग रहे हैं, ये कौन सी मच्छी है, पापलेट, तो देखो कितनी प्यारी छोटी छोटी फिश टैंक में रख दो, और सामने हमारी फेरी आ गई है, लंबी लाइन लगी है, तो चलते हैं अपन भी, अभी अच्छा खासा पूरी पैक हो गई है फेरी, स्कूल के बच्चे बच्चे वो दूसरे कोने पे मेरे को जाना है, हार्डली 10 सेकंड का रास्ता होगा बस। क्या मंजर लग रहा है माशाल्लाह, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, अलग ही लाइफ है इन लोग की, मतलब रोज आना जाना एक अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा बोट में रहो तो बस वो सब पिक्चर ही थी ना, मानिया सुर्वे वाली, ये सब मतलब गैंगस्टर वाली, वही डायलॉग सब याद आते, ये बम्बई पे राज, ये बम्बई मेरी है, समुंदर मेरा है, यही सब डायलॉग याद आते। अभी हम लोग उस किनारे से इस किनारे पे आ गए हैं, छोटा सा ही सफर था, अभी ये मेरी बोट भरेगी, फिर मैं इसमें वापस यहाँ से, वो आप लोग देख सकते हैं, उधर चले जाऊँगा बस। ये है बोट का इंजन, और ये अंकल है ड्राइवर इसके, अंकल चला रहे हैं अभी, बस थोड़ी दूरी पे, अभी तो खैर बोट सीधी चल रही है, मुझे देखना है स्टेयरिंग कौन सा इसका, ऑपरेट कैसा करता है, मुझे ऐसा लग रहा है वाइट वाला जो स्टेयरिंग ही है, या अभी अंकल कुछ मूवमेंट करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ये छोटी वाली स्टेयरिंग है, शायद यही होगी, अभी तक बड़े को तो कुछ ऑपरेट नहीं किया है, अच्छा अपनी कमर से कमाल दिखा रहे हैं अंकल, हाँ ये बड़ी वाली से ही लेफ्ट राइट हो रही है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, तो ये बोट को अभी अंकल लगा रहे हैं किनारे पे, और इसमें बहुत सारी बाइक वगैरह भी है, गाड़ी जाने का भी लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ी फेरी लगेगी, अब कैसे देखो बाइक तो निकल जाती है ईजीली, तो चलो हम भी उतर जाते हैं, मज़ा आया, 5-10 मिनट का सफ़र था, लेकिन इन्जॉय करे अच्छे से, अभी जहाँ बाइक लगाए हैं वहाँ चलते हैं, अरे भाई टाटा कर रहे हैं। आज माशाल्लाह से शबे महराज है मगरिब के बाद, और शबे महराज का भी क्या वाकया है माशाल्लाह से, मतलब महराज तो बहाना था हवस थी दीद की, मतलब पूरा अर्श चमक उठा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे असर का वक्त था, मतलब ऐसी एक वाक्य आप सुनेंगे तो एकदम दिल घबरा भी जाएगा और खुश भी हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे लेके जा रहे थे तो वो पहले आसमान पे जैसे आदम अलैहिस्सलाम से मिले, फिर सेकेंड आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम से मिले, ऐसे हर आसमान पे एक एक नबी से मिले, आखिरी आसमान पे शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले, और छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, और हर आसमान की कहानी
ऐसी है कि मतलब जो हम गुनाह कर रहे हैं उसका अजाब ऐसा ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कि आप सुनेंगे तो दिल एकदम कांप उठेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे जाने का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, असर का वक्त था, जिब्रील अलैहि सलाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर दबा रहे थे और बोले कि अल्लाह से मिलने का वक्त आ गया। तो सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हुई थी। उनका दिल ऐसा, जिब्रील अलैहि सलाम ने ऐसा उंगली घुमाए, उनका ऐसा सीना दो पार्ट्स में हुआ, दिल निकाले जिब्रील अलैहि सलाम ने, दो कटोरों में चीजें थी, एक में नूर था, एक में आबे जमजम। आबे जमजम में उनका दिल धोए, फिर उसको नूर के उसमें डाल के पूरा नूर में ऐसा ऊपर नीचे किए, ऐसा रखे, अपने आप जितनी भी नसें ये सब थी अपने आप सेट हो गई और ऐसा दिल अपना दोनों पार्ट्स को ऐसा ज्वाइन कर दिया और बिना कोई निशान खून के कतरे के बिना वो चीज ज्वाइन हो गई अच्छे से। तो क्योंकि अल्लाह ताला से मुलाकात है ना, तो दिल उतना वो नूर को बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो चीज़ करी गई थी, सांस को मिल गई। तो ये बहुत अच्छा वाक्य है, मैं इंशाल्लाह फुर्सत में सुनाऊंगा। मतलब मैं तो जब सुनता हूँ इमेजिन करता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, क्योंकि वो यूनिवर्स को कायनात को ऐसा चीरते हुए गए थे ऊपर आखिरी बाउंड्रीज पर। तो जब अल्लाह ताला का हल्का पर्दे का फ़र्क था, तो ये भी बहुत खूबसूरत वाक्य इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे। तो जितना हो सके प्लीज़ मेरे डैडी और सबको दुआओं में याद रखिए। कब रिटर्न टिकट का वक्त आ जाए नहीं पता, इसलिए अच्छे अमाल, नमाज पढ़िए और अच्छे काम करिए। आते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, प्लीज़ ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।